पुलवामा हमले में देश के 40 सपूतों ने अपने प्राण निछावर किए। इस हमले के एक साल बाद देश इन सभी को याद कर रहा है और श्रद्धांजलि दे रहा है। वीर सपूतों को सब अपने अपने तरह से याद कर रहे हैं। लेकिन उन 40 वीर जवानों की शहादत पर सबसे अनोखी श्रद्धांजलि दी है सीआरपीएफ ने। सीआरपीएफ ने अपने सभी 40 जवानों के नाम पर एक एक पेड़ लगाए हैं। ये पेड़ भी एक साल के होने को है। ये पेड़ जहां लगाए गए हैं उसे शहीद वन का नाम दिया गया है और उसकी अच्छे से देखभाल भी की जा रही है। रिया जी संधू, शहीदों की स्मृति में बहुत तरह की चीजें सबने की, लेकिन बहुत अनूठी पहल है ये कि यहाँ पर आप लोगों ने सोचा कि एक वन बनाए, शहीद वन बनाए, ऐसा क्यों? ये इसलिए हमने सोचा कि शहीदों को हमेशा अपनी जिंदगी में और अपनी यादों के अंदर में उनको हमेशा यादगार के तौर पे रखने के लिए हमने कहा कि इससे बढ़िया और कोई काम हो नहीं सकता। एक ग्रीन चहल पहल के साथ में हम उनको याद भी करेंगे। उनके नाम के पेड़ लगाए गए, जितने शहीद हुए थे हमारे उन सब के पेड़ लगाए गए ताकि उनको हम हमेशा याद करते रहें। और यहाँ पे जो हमारे पास ट्रेनिंग्स आते हैं उनको हम हमेशा ये चीज़ें उनको दिलो दिमाग के अंदर में भी रखें कि ये इस तरह का इंसिडेंट हुआ था हमारे साथ में, इसके अंदर में हमारे इतने जवान शहीद हुए थे और उनको हम याद कर सकें हमेशा। शहीदों की याद में यहाँ पर देवदार के वृक्ष लगाए गए हैं, आप लोगों के मन में तो वो याद और ज़्यादा बसती होगी। जी बिल्कुल, उन शहीदों की याद में यहाँ आरटीसी श्रीनगर में यहाँ हमने देवदार के पेड़ लगाए ताकि आने वाले ट्रेनिंग जो हमारे संस्थान में ट्रेनिंग करने के लिए आते हैं तो ये उपवन को देख के शहीदों की याद उनके मन में सदा रहे और वो प्रेरित होते रहें कि हमें अपनी ड्यूटी का निर्वहन कैसे करना है और ड्यूटी अच्छे तरीके से कैसे करनी है। अब बताइए कि जो जीते जी अपना खून बहाते हैं और जिनकी स्मृति में पेड़ इसलिए लगाए गए क्योंकि हमेशा वो कुछ दे रहे हैं, देश को दे रहे हैं, ये सब ख्याल आप लोगों के मन में रहता है? जी हमारे मन में रहता है, क्योंकि हमारा ये जितने जवान शहीद हुए तो कम से कम यादगार रहेगी। एक साल हमारे जवानों को हो रहा है शहीद हुए हुए, तो उनको जो है हम यादगार कम से कम ये पेड़ लगाने से यादगार कर सकें, इसलिए इनका हमने थोड़ा सा ये किया है कि हमेशा इनकी याद रहे हमको। जी कभी मतलब इनका ख्याल रखते हुए वो भावुकता भी रहती होगी, अपने साथ ही थे जी हमारे को, काफ़ी इनको हम याद करते रहते हैं जी। और हमारे लिए वो जो समय था काफ़ी दुखदाई था जब ये कांड हुआ, तो उससे हमारा मोराल जो है डाउन नहीं हुआ बल्कि हम और मोराल हमारा अप हुआ है। और जो भी हमारे को ड्यूटियां ऐसी मिलती रहती हैं हम ड्यूटी अपनी बड़े अच्छे से करते हैं और हमें फख्र है कि हम सीआरपीएफ के जवान। वाकई शहीदों को श्रद्धांजलि देने का यह अंदाज सबसे खास है। जीते जी जवानों ने देश की रक्षा सुरक्षा की और अब उनकी याद में लगाए गए ये पेड़ इस देश के पर्यावरण का ख्याल रखेंगे। श्वेता सिंह, भारत तक।